नमस्कार दोस्तों, जेएमडी टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र कालावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जनरल साइंस के जो फिजिक्स होती है, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने या स्टडी कराने का प्रयास करूँगा आपके लिए। और इसके अलावा जैसे मैं दो चीज़ों के बारे में, तो जनरल साइंस के जितने भी फिजिक्स के टॉपिक होंगे वो सारे के सारे मैं इस चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। इसके अलावा मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ, जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी होती है, जो ITI लेवल के लिए यूजफुल होती है, इसके अलावा जो भी ITI लेवल की कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनके लिए जो टेक्निकल थ्योरी है वो बेहतर साबित होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए चैनल के साथ में और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूं, जो भी ये हमारे दो सब्जेक्ट हैं, जैसे जनरल साइंस है जिसके अंदर फिजिक्स की हम स्टडी करने वाले हैं, तो जो फिजिक्स है, जैसे मैं बात करूं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे NTPC हो सकती है, रेलवे हो सकती है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस हो सकती है, इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल की या फिर सेंटर लेवल की जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए ये टॉपिक्स हैं जो बेहतर साबित होंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं जनरल साइंस का जो इंट्रोडक्शन है, जिसको हम परिचय कहते हैं। तो आइए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़िए, तो हम जानने का प्रयास करते हैं जनरल साइंस का जो इंट्रोडक्शन होते हैं, जिसको हम सामान्य परिचय के रूप में देखेंगे आज, सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है, सामान्य विज्ञान, जिसको हम शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं, GS, जनरल साइंस। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक को लेकर बहुत ही अच्छे से, इसके जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी इनके जो बेस हैं, उनको हम आधार हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जनरल साइंस का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय, उसी को देखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं जनरल साइंस होती क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो जनरल साइंस है, साइंसिया शब्द से बनी है। किससे बनी है दोस्तों, साइंसिया, साइंसिया शब्द से बनी है, जिसका मतलब होता है दोस्तों जानना। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जानना। साइंसिया का मतलब क्या होता है, जानना, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानना। और बात करूं मैं दोस्तों इसके जनक की, साइंस के जनक की, तो जो जनक है इनके, उनका नाम है अरस्तु। क्या है दोस्तों, अरस्तु, और अरस्तु या फिर अरस्टाइल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं, जो जनरल साइंस है वो साइंसिया शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका मतलब होता है जानना। और मैं बात करूं इनके जनक की, तो जनक कौन रहे हैं, अरस्तु या फिर अरस्टाइल रहे हैं। तो दोस्तों जानने का मतलब क्या होता है, आप सुनिए मेरे द्वारा, कि जानने का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ओके, तो आप साइंस के बारे में जान रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में किसी भी चीज़ को आप अध्ययन करना, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, तो आदमी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्यों, उसके बारे में जानने के लिए, कि क्या, किस रीजन से इसके साथ में क्या हुआ है, उन सब को कोजेज को खोजने के लिए, रीजन्स जो भी कारण हैं उनके, उनको खोजने के लिए पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास मोबाइल है, ओके, आप उसके फीचर्स देखते हैं पूरे के पूरे, जान रहे हैं, ओके, मोबाइल बनाया गया तो उसके बारे में पहले जाना गया कि क्या सॉफ्टवेयर डालें, क्या ना करें, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो आप, जान रहे हो कि नहीं किसी भी चीज़ को, मतलब उसके बारे में स्टडी करना, किसी भी चीज़ के बारे में, XYZ प्रकृति के अंदर, चाहे वो बायोलॉजी की हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे हम केमिस्ट्री के रूप में देखें, तो सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, जानना साइंस कहलाती है। शायद मैं आशा करता हूँ ये साइंस का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए दोस्तों। अब हम देखते हैं, जो जनरल साइंस है उसको तीन पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों के अंदर, हम बात करें जनरल साइंस के भागों की, तो भाग कितने हैं जनरल साइंस के, तीन पार्ट हैं माय डियर फ्रेंड्स। जनरल साइंस के कितने पार्ट हैं, तीन पार्टों के अंदर डिवाइड किया है। पहला कौन सा है, फिजिक्स,
दूसरा कौन सा है दोस्तों, मैं बात करूं तो दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे बायोलॉजी। सबसे पहले हम इधर लिखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स है जो दोस्तों फ्यूसिस शब्द से बनी है, पहले इसी चीज़ को हम देखते हैं। फिजिक्स को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलोगे दोस्तों, भौतिक विज्ञान। क्या बोलोगे, भौतिक विज्ञान। प्रकृति से संबंधित होती है दोस्तों ये। थोड़ा सा हम नेक्स्ट आगे या फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसी के बारे में बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, इसका एक एक चीज़ को तोड़ मरोड़ के हम अध्ययन करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करेंगे पूरी चीज़ों का। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, हम फिजिक्स के हर एक पार्ट का पोस्टमार्टम करके रख देंगे, एक एक चीज़ को, इसका क्या किधर क्या है, सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को पोस्टमार्टम करके रखेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, तभी हम पोस्टमार्टम कर पाएंगे दोस्तों। आप बने रहेंगे तभी, नहीं तो हमारा पोस्टमार्टम अधूरा रहेगा। तो दो पोस्टमार्टम को पूरा करने के लिए साथ बने रहिए। फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से बनी है, किस शब्द से बनी है मेरे प्यारे साथियों, फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है दोस्तों प्रकृति। तो फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, प्रकृति। मैं बात करूं दोस्तों, जो फिजिक्स है उसको दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। अब जनक की बात आती है तो, क्योंकि जनक एक तो है नहीं, फिजिक्स दो पार्टों के अंदर है, तो जनक की मैं अगर बात करूं, स्टडी कराऊं आपको, तो जनक है, इनके दो हैं, तो दोनों को अलग अलग पार्टों के अंदर डिवाइड करके फिर उनके जनकों के बारे में देखते हैं। तो आइए जनक के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो जनक दो हैं इनके, जो फिजिक्स है उसके पार्ट। हम भागों की बात करें, इसके भाग कितने हैं, दो भाग। पहला कौन सा है दोस्तों, आधुनिक, वो सॉरी चिर सम्मत भौतिकी, जिसको कहते हैं दोस्तों एंशिएंट फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स दोस्तों, एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। मैं दोस्तों चिर सम्मत की बात करूं, एक बार आप इसका इंट्रोडक्शन जानिए, परिचय जानिए, इसकी परिभाषा सुनिए चिर सम्मत की। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ, जैसे किसी की शादी होती है, ओके, तो जो कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है ची, ऐसा कुछ लिखा होता है, सो ची का, तो जो ची होता है चिरायु होता है। तो यहाँ पर चिर का मतलब होता है लंबे, जैसे हम वहाँ पर निकालते हैं अर्थ लंबी उम्र, चिरायु जैसे लड़का होता है तो उसकी लंबी उम्र की हम कामना करते हैं। तो यहाँ पर हमें फिजिक्स की लंबी उम्र की कामना करनी, मतलब कहना क्या चाह रही है ये फिजिक्स का, जो हमारे पास एंशियंट फिजिक्स है, ये कहना चाह रही है कि चिर सम्मत, चिर का मतलब होता है लंबे समय से, तो मतलब 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको कहते हैं हम चिर सम्मत फिजिक्स। या फिर मैं बात करूं जो पुराने ज़माने की, जैसे बाबा आदम ज़माना, जैसे मैं बाबा आदम ज़माना, जो हमारे बाप दादाओं का ज़माना है उसे कहता हूँ मैं बाबा आदम ज़माना। मतलब बाबा आदम ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको मैं चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखता हूँ दोस्तों। चिर सम्मत भौतिकी शायद आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों मैं इसके जनक की बात करूं, चिर सम्मत भौतिकी के जनक हैं सर आइजक न्यूटन। कौन है दोस्तों, सर आइजक न्यूटन। दोस्तों मैं दूसरे जो फिजिक्स का पार्ट है, पहला लिया मैंने चिर सम्मत, और दूसरा कौन सा है हमारा यहाँ पर फिजिक्स का पार्ट है, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। क्या कहेंगे माये मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलता हूँ दोस्तों मैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का आप है जो सीधा उदाहरण से समझिए दोस्तों, मैं कोई भी चीज़ को अगर समझाता हूँ तो मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, उसके बाद उसकी आप परिभाषा समझिए। क्योंकि जब आप एग्जाम्पल सुनते हैं या फिर उसके एग्जाम्पल को आप देखते हैं, नोटिफाई करते हैं,
तो आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आ जाता है। तो सुनिए आप, मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब आज जैसे ज़माने में कहते हो, कोई दिखा आपको नए कपड़े पहन के, नए तरीके के, तो आप कहते हो कि फला व्यक्ति मॉडर्न ज़माने में आ गया है। कोई कहता है कि आप तो मॉडर्न ज़माने के हो गए हो, ऐसा कुछ आपको मिलता है सुनने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मॉडर्न का मतलब होता है वर्तमान ज़माने से, मतलब जो दिनों दिन जो क्रियाएं हो रही हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। मैं कहूँ जैसे मान लीजिएगा मोबाइल है, आईफोन है, इसके अलावा ओप्पो है, ओप्पो इसके अलावा बहुत सारे फ़ोन हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के मोबाइल हैं, नया नया वर्जन डेली डेली नए नए वर्जन निकल रहे हैं। कोई जैसे मान लीजिए बीमार हो गया तो उसकी दवाई नई नई रोज़ रोज़ निर्माण हो रहा है, मतलब हर एक चीज़ का डेली डेली कोई ना कोई, मोबाइल है, फ़ोन है, एलईडी है, टीवी है, रेडियो है, गया रेडियो का ज़माना, आजकल नई नई चीज़ें, टीवी थी पहले तगड़े तरीके की, तो आजकल हम एलईडी के रूप में देखते हैं। तो दिनों दिन क्या हो रही है, नई नई खोजें हो रही हैं। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, आधुनिक फिजिक्स के अंदर, या फिर हम मानते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो दोस्तों हम मॉडर्न फिजिक्स के जो हमारे जनक हैं उनको देखते हैं। जनक कौन है मॉडर्न फिजिक्स के? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन है आधुनिक भौतिकी के जनक, अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। दोस्तों मैंने जो फिजिक्स है उसको टू पार्टों के अंदर डिवाइड किया है, एक तो चिरसम्मत और दूसरी कौन सी होती है, आधुनिक फिजिक्स। तो दोस्तों ये चीज़ शायद मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब मैं देखता हूँ दोस्तों दूसरा पार्ट जो हमारा सामान्य विज्ञान का है, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। दोस्तों दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम कहते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। क्या कहते हो मेरे प्यारे साथियों? रसायन विज्ञान। दोस्तों जो सेकंड पार्ट है जनरल साइंस का, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं हिंदी के अंदर, और जो इंग्लिश के अंदर हम उसे केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री है जो कीमिया शब्द से बनी है, किससे बनी है? कीमिया। और कीमिया का मतलब क्या होता है? काला पदार्थ। कीमिया का मतलब क्या होता है? काला पदार्थ। दोस्तों हर एक चीज़ का जो हम निचोड़ निकाल रहे हैं वो इन्हीं के नामों से निचोड़ निकल रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री कीमिया से बनी है, फिजिक्स फीसू से बनी है, बायोलॉजी है जो बायोलॉजी से बनी है मिलकर। तो काला पदार्थ, हम बात करें जनक की यहाँ पर, तो इसका जनक कौन रहा है दोस्तों? लेवोशियर। कौन रहे हैं दोस्तों? लेवोशियर। दोस्तों केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान कहते हैं हिंदी के अंदर। मैं बात करूँ किस शब्द से बनी है केमिस्ट्री? कीमिया से। कीमिया का मतलब क्या होता है? काला पदार्थ। और मैं बात करूं दोस्तों इनके जनक की, तो जनक कौन रहे हैं? लेवोशियर। तो दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, थर्ड की ओर, और थर्ड का नाम है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, आइए। थर्ड पार्ट है बायोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हो दोस्तों? शायद सबको पता होगा बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हो? जीव विज्ञान। दोस्तों बायोलॉजी है जो दो शब्दों से मिलकर बनी है, पहला कौन सा है? बायोलॉजी है जो बायो प्लस लॉजी, दो शब्दों से मिलकर बनी है बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है दोस्तों सजीव, और लॉजी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन करना। मतलब सीधी सी यहाँ पर परिभाषा बन रही है, सजीवों के बारे में अध्ययन करना, जीवों के बारे में, जैसे मानव है मानव के बारे में, पेड़ पौधे हैं उनके बारे में, जिनके अंदर जीव है, भेड़ है, बकरी है, कुछ भी है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं बायोलॉजी के अंदर। जैसे मान लीजिए आदमी है, पोस्टमार्टम कर दिया, काट पीट के जिंदा नहीं है, ख़त्म हो गया मामला, पोस्टमार्टम कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर कर रहे हैं।
मैं कहूँ किसी भी रासायनिक पदार्थ है उनका आप केमिकल तैयार कर रहे हो, कुछ भी रसायन विज्ञान के अंदर, मैं कहूँ कोई भी चीज़ है जैसे भौतिकी के अंदर है, जो फिजिक्स के अंदर गति है, न्यूटन है, फलाना है, गुरुत्वाकर्षण है, ये सारी चीज़ें जैसे आवेश है, विद्युत धारा है, वो सारे के सारे किसके अंदर है, फिजिक्स के अंदर ही तो हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है। तो जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायो प्लस लॉजी। मैं कहूँ बायो का मतलब सजीव और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, मतलब सजीवों के बारे में अध्ययन करना। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, सजीवों के अंदर अध्ययन करना बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आइए दोस्तों हम इसके जनक की बात करते हैं। जनक कौन रहे हैं? अरस्तु। कौन रहे हैं दोस्तों? अरस्तु। इनके क्या रहे हैं? जनक रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप फिर वीडियो को पॉज करके रोक के आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आराम से रोक के लिख लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। और जो भी मैंने टॉपिक समझाए हैं उनको आप अच्छे से समझिए। अगर आपको एक बार से ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ को दोबारा से री करके देखिए, मैं आशा करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से एक बार देखिए। अगर एक या दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट ये टॉपिक नहीं है, थोड़ा हम टिफिकल तो आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन दोस्तों टिफिकल कुछ भी नहीं है, सबके सब हम उनको आसान बनाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमने पढ़ा जनरल साइंस का, जो इंट्रोडक्शन है उसको तीन पार्टों के अंदर डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को टू पार्टों के अंदर, चिरसम्मत, भौतिकी, और जो हमारा दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम आधुनिक फिजिक्स कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको जो मैंने आज ये क्लास दी है आपको शायद आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ चैनल के ऊपर तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसको। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।